हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं हूं स्टार और आप देख रहे हैं स्टार्स गेमिंग। तो दोस्तों हमारी साइलेज भी तैयार हो गई है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना बेल के हम TMR फूड कैसे बनाएंगे। तो चलिए बताता हूं आपको, शुरू करता हूं इस वीडियो को इंट्रो के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, ज़रा आवाज़ थोड़ी सी। तो पहले हमने बनाया था TMR फूड बेल से, ठीक है। अब ये हमारी बन चुकी है, साइलेज तैयार हो गई है, ये बनी है 58,000। ये नहीं बन पाई क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको दिखाने के लिए पहले ही कंबल दे दिया था, ब्लैंकेट, तो ये नहीं बनी। इसको बाद में उठा के दोबारा बनाएंगे और ये इसके ऊपर जाके हम आर करेंगे तो ये कंबल हट गया है। ये बनी है 23,700 कुछ लीटर और ये बनी है 58, तो टोटल हमारी बन चुकी है 3,000 के आसपास, 3,000 लीटर। और ये मैंने सारी हे उठा के यहाँ पे जमा कर दी है, ढेर लगा दी इनके। और भाई ये है स्ट्रॉ, तो ऐसे ही ढेर उसके अंदर लगाने पड़ेंगे आपको ग्रास के, ताकि आप इतनी, ये देखो ये एकदम सीधा सीधा लगाया मैंने, ये तो वैसे फटाफट में लगा दिए, तो आपको सीधी सीधी आराम से लगानी पड़ेगी उसके अंदर। अपने ट्रक को जो अनलोड करोगे आप, थोड़ा आगे हल्का हल्का बढ़ाना है, ज़्यादा तेज़ बढ़ाओगे तो पतली सी बन जाएगी, थोड़ा मोटा ऊंचाई में लेके जाना। तो ठीक है, ऐसा ढेर लगाना है हमें अंदर, ताकि हमारी हे ऊंची बने, बढ़िया बने। नीचे नीचे नहीं चाहिए, थोड़ी ऊंची चाहिए। तो चलो इसके लिए अब हमें चाहिए एक, तो वो है साइलो किंग, ये तो बनाता है बेल से, तो हमें चाहिए एक गाड़ी जो कि इनको इकट्ठा करके और ये माल बनाएगी। तो मैं इसके लिए स्टोर को सेट कर दूंगा यहाँ पे, ये मैंने आपको दिखाया था मोड है ये, हम जो माल स्टोर से ख़रीदेंगे, सामान जो भी व्हीकल कुछ भी, वो यहाँ पे आएगा। तो स्टोर में जाके ये जाएंगे एनिमल्स के अंदर। तो ये है, ये आइकन आ रहे हैं सारे दोस्तों, ये टोटल मिक्स रेशन का है, ये शेफ का है। शेफ भी एक घास की तरह होती है, लेकिन वो बीज वाली फसलों से मिलती है, जैसे मकई, वीट, बार्ली, उससे जब वो फसल 90% पक जाती है, यानी कि हरी होती है, उसको उस टाइम काटा जाता है। तो जब उसको काटते हैं तो उसकी जो बनती है वो शेफ कहलाती है, उसकी भी साइलेज बनती है, ठीक है। वो मैं आपको अलग वीडियो में बना के वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो ये इसके ऊपर निशान आ रहे हैं, तो ये हमारी हे और ये है हमारी साइलेज। ये बंकर दिखा रहे हैं ना, ये दो बंकर के अंदर साइलेज पड़ी, ये तो ये साइलेज है। और ये है हमारी स्ट्रॉ, ठीक है। इस गाड़ी को लेना है, इसकी कैपेसिटी है 17,000, यानी कि एक बार में एक बार का TMR बनाएगी, मतलब एक बार में 17,000 बनाएगी जो कि उनको देना है गाय को। फिर आपको अगली बार बनाना है तो फिर आपको फिर इसको बनाना पड़ेगा, यानी कि एक बार में ये 17,000 बना देगी आपको। तो हम चार बेल से बनाते हैं, 4 × 16, तो 16,000 लीटर बनाते हैं, ये बनाएगी 17,000, ठीक है। तो एक ही क्वान्टिटी है, उतनी ही डालनी है। तो ये है गाड़ी, इसके अंदर भाई ये ब्लेड लगे हुए हैं, और इसके अंदर एक ये लगा हुआ है, ये सामान उठाता है हमारा, ये इसके अंदर एक ब्लेड लगा हुआ नीचे और आगे एक कवर। तो इसको बाय करेंगे, यस ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो गाय का गंद जो जमा हो चुका है, यानी कि उसकी खाद, मैन्योर और स्लरी, उनका जो गोबर और पेशाब मिक्स होता है वो बन जाती है स्लरी, तो स्लरी और उसके लिए भी हमें चाहिए एक स्लरी टैंक चाहिए। ये है स्प्रेडर, इसमें स्लरी भर के आप अपने खेतों में स्प्रेड कर सकते हैं। ये है स्टोरेज करने के लिए, इसके इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में अपने अगर उसको बेचना है या अपने खेत में स्प्रेड करना है तो वो आपको वो कर सकते हैं। ये है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर आपको बेचने जाना है तो आप ये लेंगे, अगर आपको स्प्रेड करना है तो आप ये लेंगे, तो ऐसे जो आपकी इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। तो इसको लेंगे, ये हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, अगर हमने बेचनी है तो इसका कलर आप कोई भी ले लेंगे, कोई अच्छा सा कलर लगाते हैं इसमें, ये तो कलर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी ले लो आई मीन। तो चलिए इसे लेंगे, इसे इस कलर का, ये हो गया, छींक सी आ रही थी भाई। तो इसकी कैपेसिटी है 30,000, ये स्लरी। और ये एक चीज़ हो रहा है, इसका आइकन भाई ये नहीं पता है क्या, तो ये स्लरी का आइकन है, ये जो इसके ऊपर स्मेल सी उठ रही है, और आपको आइकन नज़र भी आ रहा है, एक सेकंड थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। तो ये आइकन है स्लरी का, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, तो ये आइकन मुझे मालूम नहीं किस चीज़ का है।
ये इसका पता करना पड़ेगा। ये है मैन्यूर खाद का, तो खाद तो आपको खुद ही भरनी पड़ेगी इनके अंदर, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे कि आप मैन्यूर ऑटोमेटिक, हो सकता है मोड आता हो ऑटो लोड का, यानी कि आप खाद के पास लेके जाएं मैन्यूर के पास और वो अपने आप लोड हो जाए, तो वो मोड आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो अभी मोड मैंने कोई नहीं लगाया ना, मुझे अभी मैंने सर्च किया है। तो कोई भी एक स्प्रेडर ले लेंगे आप, जैसे ये ले लिया तो ठीक है, ये लगेगा भाई आपका ट्रैक्टर के पीछे और ये स्प्रेडर है, ये आपके खेतों में उस खाद को फैला देगा। तो खाद और स्लरी आप अपने खेतों में डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र की जगह, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो बनता है भाई फैक्ट्री वगैरह में तो, लेकिन जो खाद होती है ये प्राकृतिक होती है एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक, तो ये और भी आपकी फसल को बढ़िया बना देगी। तो एक ये लेंगे ओके। तो भाई हमारे पास आ चुकी हैं तीन चीज़ें, तो इसके लिए ये, इसके लिए तो भाई ये इसके लिए तो कोई चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर तो सब मशीनरी आई मीन ड्राइविंग सीट भी है। इसके लिए चाहिए ट्रैक्टर, इसके लिए चाहिए आपको ट्रक, तो अपना एक ट्रक लेके आता हूँ भाई यहाँ पे, ये ले आऊँगा। तो ये ट्रक मैंने कल ख़रीदा था, एक ऑटो लोडर मैंने नया लगाया है बेल उठाने के लिए, आपको बाद में दिखाऊंगा। तो एक मिनट इसको हटा देता हूँ यहाँ से दोनों को। तो ये हो गया हमारा स्लरी टैंक, ठीक है, और ये इसके आगे मैंने बकेट लगाई है फ्रंट लोडर के आगे। अगर आपको इसका वीडियो मतलब आपको ये लगानी आती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि ये बकेट कैसे लगती है आगे, ये फ्रंट लोडर के आगे लग जाएगी और आप इससे अपना सामान वगैरह और खाद वगैरह उठा सकते हो। तो ये हो गया खाद के लिए और वो हो गया स्लरी के लिए, ठीक है, इसको लेके जाऊंगा खाद के पास, क्योंकि जो गायें गोबर करती हैं उसकी खाद बन जाती है, तो वो आपको उठाना पड़ेगा। ये है खाद जो है सॉलिड और ये है लिक्विड जो है उनका गाय का मल मूत्र जो मिक्स हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है, वो बन जाता है स्लरी। तो ना जाएंगे भाई उस गाड़ी के अंदर, तो ये है वो गाड़ी या जो मशीन कह लीजिए, इसके अंदर ब्लेड लगे हैं, ये बनाती है TMR एक टाइम का। तो TMR बना के एक बार आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनेगा भाई। तो रेशो इसमें वही है, ये खोलेंगे F1 से, इसके अंदर मिक्सिंग रेशो आप देखेंगे अगर आपको नज़र आ रही हो नीचे, तो पहले भरनी है हे, तो इसको ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, अनफोल्ड कर लेंगे इसको देखिए एक्स से, और बी से इसका ब्लेड ऑन होगा, ये बी से ब्लेड, ये ठीक है। अब हमें इसके अंदर स्लरी भरनी है 50%, अभी हमारा टैंक खाली है, तो हमने भरनी है इसके अंदर हे 50%, तो हे भरेंगे, ये 50% भरनी है हमें, तो ध्यान से भरेंगे धीरे धीरे। ये हो गई हमारी 29, ये हो गई 34%, ये हो गई 40, 41, 45, 51, 52 हो गई, ज़्यादा हो गई तो आप इसको आराम से भरना क्योंकि ये बहुत जल्दी उठाता है माल। तो ठीक है, मैंने 2% उसको कर दिया और ब्लेड को कर लेंगे बंद। अगर आप इस ब्लेड को बंद नहीं करेंगे तो ये फिर भरती रहेगी अंदर। तो हे हो गई हमारी 50%, अब भरेंगे साइलेज 25%। तो यहाँ जाके अब ब्लेड को कर देंगे ऑन और इसको कर लेंगे थोड़ा नीचे, तो हमें इसको करना है 75%। ये हो गई 66, 8, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 1% ज़्यादा हो गई, लेकिन वो ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब ठीक है, एक एक 1% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो जाए
5-10% बढ़ जाए तो ज़्यादा है, ठीक है। इसके ब्लेड को कर लेंगे बंद, मैंने आपको बोला ना, तो इसको बहुत आराम से भरना, मतलब ध्यान से रुक रुक के, ये नहीं फटाफट ले गए और उसके अंदर घुसेड़ दिया तो भाई ये बहुत जल्दी भर देगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी उठाती है माल। अब इसमें भरनी है स्ट्रॉ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे क्योंकि ज़मीन से लगता रहता है ना, तो ये हमारी पड़ी है स्ट्रॉ। देखो मैंने यहाँ पर ढेर लगा दी इतने ऊँचे ऊँचे से, तो भाई कल ये वीडियो बनाया था लेकिन उसके अंदर माइक ऑन नहीं था मेरा, आवाज़ नहीं आई यार, सॉरी यार, मैं अब इसको दोबारा बना रहा हूँ। तो इसको नीचे करके ब्लेड को कर देंगे ऑन, तो देखो नीचे अगर आप देखो लेफ्ट राइट साइड में तो ये हो गया 88% और ये हो गया हमारा 99%, तो बन गया हमारा TMR, बात तैयार हो गया। तो बी से कर लेंगे ब्लेड को ऑन, और नीचे ब्लेड है वो इसको मिक्स कर देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे यहाँ से। अच्छा इसका माल लोड होता है, एक ये काला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है नीचे ये, और एक होता है अनलोड इधर से, ये जो ब्लैक पॉइंट है, तो आप कहीं से भी डाल सकते हैं। तो इसको उठा लेंगे ऊपर, इसको कर देंगे बंद, ये भी फ्रंट लोडर की तरह काम करती है जैसे माउस से, और ये माउस से माउस को लेफ्ट राइट करने से ये खुलता है ऐसे, और ऊपर नीचे करने से ये चलती है। इसको कर देंगे एक्स से बंद, तो ये बन गया हमारा फूड। ओके अब देखते हैं गाय की सफाई वगैरह कितनी है, ये 60% दिखा रहा है सफाई, क्लीनलीनेस 60%, वाटरफुल है, ठीक है। स्ट्रॉ भी ठीक है, मैंने दे दी थी, मैंने कल दो स्ट्रॉ और दी थी तो ये ग्रीन हो गया, पहले मैंने एक दी थी तो रेड था, दो दी तो ऑरेंज हो गया, फिर मैंने दो और दी, चार स्ट्रॉ दी टोटल। तो आपको इसमें स्ट्रॉ और TMR फूड देना है बस, आपको हे साइलेज ग्रास देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसकी बेल देने की ज़रूरत नहीं है, ना बेल ना लूज़, आपको सिर्फ टोटल TMR और स्ट्रॉ आपको रखनी पड़ेगी, बेल तो वो आपको बेल उस गाड़ी में डाल के मैंने दिखाया था ना आपको कल, वो वहाँ से खड़ी करके सामने से चारा बना के देती है, वो देनी पड़ेगी आपको। तो F1 करके इसका ब्लेड कर देंगे बंद, क्योंकि इसको खोल के इसको ब्लेड को कर देंगे बंद, इसको कर देंगे अनफोल्ड, इसको फोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो वहाँ पे भाई वो थोड़ा खाना गिरा हुआ है सामने, यहाँ पर चल के फूड देते हैं इनको एक बार, देखते हैं लेती है कि नहीं लेती, वैसे खाना उधर से देती है राइट साइड से, हम दे रहे हैं लेफ्ट से, ठीक है। अब खाना चला गया, कई बार खाना नहीं लेती क्योंकि यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है, तो ये खाना जाना शुरू हो गया है, और ये देखो ये अभी बढ़ गया, देखो पहले 20-21 था, अब और बढ़ रहा है, देखो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब अब TMR सही है। अब ये 96% अभी ये दे रही है 96% दूध, तो अभी ये 100% हो जाएगा क्योंकि ये ग्रीन हो गया, तो ये 100% हो जाएगा, लेकिन आपको सफाई करनी पड़ेगी गाय की, ये सफाई 100% होनी चाहिए। तो ये हमारा खाना सारा चला गया अंदर से, ठीक है। TMR हमने दे दिया, तो इसको वापस खड़ा कर देंगे ले जाकर, सॉरी थोड़ी जल्दी काट देता हूँ मैं। तो अंदर से ऐसी है ये, अभी इसको यहीं पे लगा दूंगा, चल भाई। तो अब चलते हैं अपने, कहाँ गया रे ये ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। ये है हमारा स्लरी टैंक, तो अब हमें स्लरी भी उठानी है, गंद जो उनकी सफाई है वो करनी है। सफाई कैसे करेंगे भाई, यहाँ जाके, और ये स्लरी का टैंक है, यहाँ पे खड़ा कर देंगे इसको, और F1 करेंगे तो देखिए ऊपर आ रहा है स्टार्ट फिलिंग R से, अभी हमारा टैंक खाली है, तो अभी स्लरी 3769 लीटर है, तो इसको करेंगे स्टार्ट। तो देखिए नीचे स्लरी भरनी शुरू हो गई,
हमारे टैंक में आ गई, ठीक है। तो इसको अभी यहीं पे खड़ा करेंगे और इसमें से उतर के इसमें जाएंगे और इसको कर देंगे डिटैच और अंदर जाके ये उठानी पड़ेगी मैन्यूअल आप खुद। तो इसको कर लेंगे थोड़ा नीचे ऐसे, ठीक है भाई ये उठ गई, ठीक है भाई ये उठा ली हमने, इसको बाहर ले आएंगे। इसको उसके अपने ट्रक के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सीधा कर लेंगे ताकि उसके अंदर जाए तो सही सही तरह। अब यहाँ पे लाके इसको थोड़ा आगे कर लेंगे और बस। तो ये हमारी अभी नहीं गई, ये बाहर गिर गई। बाहर क्यों गिर गई भाई? थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, थोड़ा इसको और आगे लाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये अंदर चलेगी लेकिन थोड़ी सी नीचे भी गिर गई भाई, इसको उठाना पड़ेगा। अब तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा आगे करके डालना ताकि नीचे ना गिरे। तो इसको नीचे कर लेंगे एक बार, माउस से नीचे कर लेंगे ऐसे। ठीक है भाई सारी उठ गई, इसको ऊपर करके ऊपर उठा लेंगे और बास्केट का ध्यान रखना कि नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और इसकी पोजीशन थोड़ी सही रखना ताकि नीचे ना गिरे भाई वो। ठीक है तो ये ट्रक के अंदर चलेगी सारी पीछे करके अपना भाई, इसको बास्केट में कर लेंगे सीधा और इसको कर देंगे नीचे। ये आपको थोड़ा सा जब आप सीख जाएंगे तो सही आएगा, अभी तो ऐसे ही है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भाई हो गई सारी सफाई, खाद भी साफ़ हो गई और स्लरी भी चलेगी हमारी, ये है स्प्रेडर। तो इसको हम लेके चलते हैं अपने, इसको आप यहीं पर खड़ा कर दें, जब यह भर जाएगा तो इसको बेच दें बायोगैस प्लांट पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है खाद, ये है स्लरी, अभी कोई भी इनको नहीं ले रहा, ठीक है। तो आप इसको बेचेंगे कैसे? आप जाएंगे मैप के ऊपर, ठीक है, और ये है बायोगैस प्लांट हमारे फार्म हाउस के साथ ही है इसका। तो लैंड पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको बाय कर लेंगे, बाय यस। अब ये जगह भी हमारी हो गई, लाइम स्टेशन और ये बायोगैस प्लांट हमारा हो गया। तो अब जब आप देखोगे यहाँ पे रेट, तो ये अब रेट आ गया, देखो बायोगैस प्लांट पे 180 और 180 डॉलर ये और एक ये दोनों मिल रही है। तो मैं जाके इसमें ई दबाता हूँ और कंट्रोल एफ कर दूँगा, सॉरी राइट कंट्रोल एफ कर दूँगा तो वो मेरे पीछे आएगा। अब इसको भेज देते हैं यार इतना, अब इसे ले जाएंगे बायोगैस प्लांट के ऊपर। आ जा भाई आ जा, अब बायोगैस प्लांट कहाँ पर है आपको देखना पड़ा देखना। तो आप इसको ऐसे करके इसको टैग कर देंगे, ठीक है, टैग हो जाएगा तो आपको नज़र आ रहा कि वो वहाँ पे जाना। कई बार पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ से है, गेट वगैरह किधर से है, तो वो हमारे पीछे आ रहा है हमारा ट्रक।
इसको लेकर जाएंगे उस स्पॉट के ऊपर, उस निशान पे खड़ा करके, और इसका रास्ता इधर से है। अब ये जगह हमारी हो गई है, यहाँ पे भी हम सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्ट्रॉ और वो डाल सकते हैं, हे। तो अब ये निशान है यहाँ पे, इस निशान के ऊपर जाएंगे और इसको खड़ा कर देंगे ट्रक को, ये बस F1 दबाएंगे और ये कैसे बिकेगा भाई, ये इसके ऊपर खड़ा तो कर दिया लेकिन अब बेच क्यों नहीं रहा। ओहो, ये स्प्रेडर है, एक मिनट उसको पीछे वाले को रोक दूंगा, वो मेरा पीछा नहीं करेगा, अब मुझे फॉलो नहीं करेगा। दरअसल वो स्प्रेडर है, आपको वो लेना पड़ेगा इसके लिए, बेचने वाला ट्रांसपोर्टर, इसलिए नहीं वो बेच नहीं रहा। ठीक है, तो ये स्लरी, ये हमारा ट्रांसपोर्टर है, तो ये हम यहाँ पे स्लरी भेज देंगे। इसके पैसे नहीं आए क्योंकि इसके पैसे अगले दिन आएंगे, जब नया दिन चढ़ता है तो इसके पैसे तब ऐड होते हैं आपके। ठीक है, अभी पैसे कोई भी नहीं मिला। वो जो है हाथ वाला ट्रक, मैन्युअल वाला ट्रक, वो है स्प्रेडर, वो ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो वो ट्रांसपोर्टर ट्रक लेना पड़ेगा आपको, उस खाद को उसमें भर के फिर भाई यहाँ पर ला के बेच सकते हैं। अभी तो उसने नहीं लिया, तो ये हो सकता है प्रॉब्लम है इसमें। तो उसको करूँगा कंट्रोल एफ करूँगा तो वो फॉलो करेगा, और भाई मैं जाऊँगा अपने उस ट्रक के अंदर और यहाँ से लेके इसको निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे हम ज़रा इसको दूर से काटूँगा ताकि पिछला ट्रक भी सही से कट जाए। आ जा भी आ जा। तो ये हमारी खाद नहीं बिकी क्योंकि उसने ली नहीं। तो खाद के लिए कोई आपको ट्रेलर लेना पड़ेगा, ट्रेलर जो कि कई ट्रेलर होते हैं ना जो कि खाद को उठा लेते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ ट्रेलर में स्टोर में जाके, ये ट्रेलर है। ठीक है, ये जैसे ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली के अंदर आप खाद लेके जाएंगे तो ये बिक जाएगी क्योंकि ये देखो ये सब कुछ उठा सकता है। तो आप ये ट्रॉली लेंगे कोई भी, उसके अंदर देख लेंगे ये खाद का ऑप्शन आ रहा है ना, ये स्लरी, ये खाद है, ये मैन्योर स्लरी, ये है सॉरी, ये आइकन है आपका मैन्योर का, खाद का, ये रहा। तो इसके अंदर भी है, इन सब के अंदर है। ठीक है, तो हमने जो अभी ख़रीदा है मैन्योर के लिए ये, तो ये सिर्फ खाद, ये वाला ये सिर्फ खाद उठाता है, मैन्योर स्प्रेडर। तो हमें चाहिए ट्रेलर, तो ट्रेलर में भर के आप जब ले वहाँ पर लेके जाओगे तो वो बिक जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आज का वीडियो। तो मैंने आपको बता दिया कि खुले में कैसे हमें बनाना TMR हे से, और उससे कैसे बनेगा 25% साइलेज और स्ट्रॉ डालनी है, और 50% डालना उसके अंदर हे। तो चलो इसे अभी करता हूँ यहीं पे खड़ा, इनको बाद में सेट करूँगा। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि ये जो ऐसा बंकर है ना, ऐसा एक बंकर और लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगी हमारी साइलेज, इसके अंदर हो जाएगा हमारा स्ट्रॉ, और जो दो ऐसे बंकर और होंगे उसके अंदर हम भरेंगे हे। तो 50% हे भर देंगे और इसमें 25% साइलेज हो जाएगी, इसके अंदर स्ट्रॉ हो जाएगी और इसके अंदर हमारी हो जाएगी साइलेज। तो ऐसे ही 1, 2, 3, 4 बन जाएंगे, 4 में से फिर हम उस गाड़ी से ला के भर भर के और यहाँ गाय को दे देंगे। और इसको बनाना यहाँ लगाना गाय के, जहाँ पर आपकी गाय है उसके पास, क्योंकि फिर बार बार आपको दूर ना जाना पड़े। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, अब इस वीडियो में दिखा देता हूँ भाई। मैं उसको डिसमिस करना था मुझे। ये एक लोडर लिया है मैंने कल, ये ऑटो लोडर है बेल्स का, ये है फ्लाई जेल का, और ये ऐसा है देखो देखने में,
इसका मोड आप ढूंढ के लगा सकते हैं, अगर कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये उठाता है 38 बेल, ये मैंने कल लगाई है इससे 38 बेल देखो, और ये दो ढेरी लगाई हैं यहाँ पे, दो तीन, और एक ढेरी मैंने ये पहली की है शायद। तो ये जो पुराना लोडर था वो सिर्फ 2 फुट 1 मीटर तक माल अनलोड करता था, लेकिन ये आप चाहे 100 मीटर पे करना हो आपको, 50 मीटर पे करना हो, यानी कि जितनी मर्जी दूर ले जाओ और उसको अनलोड कर दो, इसका ये फ़ायदा है। मैंने इसमें मुझे ये अच्छा लगा, और लेकिन पुराने वाले में क्या था कि वो 1 मीटर के ऊपर ही अनलोड कर देता है, बाई चांस हमें दूर करना है तो ये सही है उसके लिए, ये जितनी मर्जी दूर कर देगा। तो ये मैंने कल लिया था पीले रंग का, इसका मैंने कलर लिया था और वो साथ में पीला ट्रक लिया था, ठीक है। और ये बकेट है और ये फ्रंट लोडर है, इसके आगे बकेट लगा रखी है, ये इसका भी एक मोड है, ये मैंने लगा रखा है, मोड ही है ये भी। तो ये गाड़ी है जिसमें आपको भर के एक स्ट्रॉ, ये वाली स्ट्रॉ बेल, इसमें भर के आपको वहाँ सामने ये फ्रंट पे यहाँ पे देनी है, ये पानी का, ये खाना, और ये फ्रंट पे देनी है आपको ये स्ट्रॉ। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक स्ट्रॉ का और एक ये खाने का। अब ये सफाई नहीं हुई यहाँ पे तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी, एक मिनट, वीडियो कितना लंबा हो गया, वीडियो अभी छोटा ही है, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो तो दिखाई नहीं कि वो भी दिखाना ज़रूरी है, तो इसको कर दूँगा एक मिनट के लिए अनलोड। तो ये सफाई यहाँ से करनी है आपको, ये जो खाना बाहर गिरा रहता है इसको उठाना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए इसको नीचे करेंगे और बकेट को खोल लेंगे, सीधा कर लेंगे और इसको उठा लेंगे जो ये गिरा हुआ। ठीक है, तो ये साफ़ हो गया और इसको उठा लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। इस खाने को उठा के जो भी है, ये हमें साइलेज मिली है 254 लीटर, तो इसको यहाँ पे ला के थोड़ा बैक कर लेंगे और इसको उठा लेंगे ऊपर, इसको उठा के रखना दोस्तों, नहीं तो ये इस डंडा देख रहे हैं ना आप, ये इसके अंदर फंस जाता है, तो इसको उठा के फिर यहीं पे लोड कर देंगे ऐसे। तो ये खाना वापस चला गया, तो ये होगी सफाई, तो ये सफाई हो गई यहाँ से, और आगे से हमने खाद और रसलरी उठा ली। तो अब ये सफाई 60% है, थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद ये 100% हो जाएगी, और ये गाय को हमने फूड भी दे दिया, तो ये भी 96% दिखा रहा है अभी, थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे 10-15 मिनट बाद तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, ये दिखाना था आपको सफाई का, खाद कैसे उठानी है, स्लरी कैसे उठानी है, स्लरी बेचनी कहाँ पे है, खाद कहाँ पे बेचनी है, और TMR फूड कैसे बनेगा मशीन से, बेल से, मैंने आपको अब सब बता दिया गाय के बारे में। तो इस वीडियो में भाई इतना ही है। तो ये पानी है, पानी आपको यहाँ से देना है, स्ट्रॉ यहाँ से देनी है आपको उस मशीन में डाल के, ये देखो अभी ये चारा पड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ये जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ये देना पड़ता है, ये है स्ट्रॉ। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 और 4, ये दो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। टोटल मिक्स रेशन फूड की इफ़ेक्टिवनेस, यानी उसका असर होता है 100%। हे और साइलेज का असर होता है 75%, यानी कि दूध देंगी 75%। तो ग्रास का इफेक्ट होता है 25%, अगर आप गाय को सिर्फ घास खिलाएंगे तो वो दूध कम देगी 25%, अगर आप हे साइलेज देंगे तो 75%, अगर टोटल मिक्स रेशन देंगे जो हमने अभी बनाया TMR फूड तो देगी 100%। लिखा है एनिमल्स ऑलवेज नीड वाटर, उनको पानी हमेशा चाहिए, दे ऑल्सो रिक्वायर ए क्लीन फीडिंग एरिया, उनको एक सफाई भी चाहिए जहाँ रहती हैं, और सम रिक्वायर्ड स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ चाहिए चबाने के लिए, तो गायें देखा ना वो भूसा चबाती रहती है हमेशा। तो फीड देम एनी ऑफ द फॉलोइंग फूड टाइप, तो ये आप कोई भी फूड खिला सकते हैं, लेकिन उसका असर TMR का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 100% हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं हो रहा, और ये सफाई जो 60% है थोड़ी देर बाद, ये इतनी जल्दी नहीं होती, कुछ टाइम के लिए, टाइम के बाद बढ़ती है। तो ये हो जाएगी अभी 100%, ये सब ग्रीन हो जाएंगे, ये भी ये ग्रीन रहने चाहिए, रेड नहीं होने चाहिए, अगर ये रेड हो गए तो मतलब फिर गड़बड़ है। हाँ एक और चीज़ भाई, वो तो दिखाई भी, वो भी दिखानी पड़ेगी भाई, एक मिनट, स्टोर में जाएंगे और
स्टोर में जाके एनिमल्स कहाँगा, ये है एनिमल्स। इसके अंदर हमने एक लिया था वाटर टैंक, ठीक है। तो हमें ये वाटर भी उठा, पानी और दूध दोनों के लिए हमने एक लिया था, एक और लेना पड़ेगा। तो इसका मेन कलर कौन सा है, तो हम इसे लेंगे ब्लैक, क्योंकि ये मिक्स नहीं होगा। ये हमने लिया दूध के लिए, तो दूध, गायें दूध देंगी, तो भाई एक रात तो बीत गई, तो दूध दिया होगा कुछ, देखते हैं कितना दूध दिया है। तो ब्लैक में हम लेंगे दूध। ये दोनों दोस्तों अलग अलग कलर के लेना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि दूध का कौन सा और पानी का कौन सा। अब हमें ये पता रहेगा कि ये भाई ब्लैक वाला हमारा दूध का, तो दूध का रह गया था, मैंने कहा चलते लगते हाथ आपको ये भी दिखा दूँ। तो दूध हमें मिलता है इस तरफ से, ये बड़ा हमारा दूध, ठीक है, ये है दूध। चल भाई दूध, हाँ F1 दबाएंगे तो देखिए ये कह रहा है स्टार्ट फिलिंग R से। तो दूध है 2197 लीटर हमें मिला है भाई, 2197 लीटर। भाई हम तो तगड़े हो जाएंगे दूध पी के। तो दूध हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, ये दूध हमारा आ गया इसमें। और इसको कहाँ पे बेचना है आपको पता ही है, फिर भी बता दूँ आपको, ये है दूध का निशान, ये है दूध का निशान। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे, तो रेस्टोरेंट पे मिलता है, बिकता है 1282 रुपये 1000 रुपये का, 1000 लीटर। तो हमारा दूध है 2000 लीटर, तो हमें 12 × 24 = 2625 डॉलर मिलेंगे। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट पे जाएंगे, उस निशान के ऊपर खड़ा करके दूध बेच देंगे। मैंने आपको पहले दिखाया पुराने वीडियो के अंदर, बस उस निशान पे लगाओ और आई दबा दो, दूध अपने आप चला जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारा दूध का, और अभी दूध को यहीं पे रखेंगे टैंक को, क्योंकि अभी हमें अभी नहीं बेचना, और सॉरी इसको अभी नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे जब ये भर जाएगा। तो ये था गाय के बारे में सब कुछ भाई, TMR, मैन्योर, ये वो भाई। अब थोड़ा सा खाद फिर जमा हो गया, तो वो जमा होता रहेगा। तो अब देखते हैं सफाई वगैरह हो गई कुछ के नहीं, ये अभी बड़ी नहीं है, थोड़ी बढ़ जाएगी बाद में, ठीक है भाई। ये था आज का वीडियो, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया भाई, बहुत कुछ, सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट, जो जो मैं बता सकता था इस 30 मिनट के वीडियो में सब कुछ आपको बताने की कोशिश करी है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आने वाले वीडियो आपको फिर मिलते रहेंगे, बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो ऐसी वीडियो में और आपके लिए लाता रहूँगा। इसके बाद मैं खेलूँगा स्पिन टायर्स द ओरिजिनल गेम का अगला मैप, जो हमें दिया है हमारे मेरे भाई सुमन दास ने, वो एक ट्रक का मोड है और एक मैप का मोड। तो चलिए, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना भाई, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खाएं पिएं स्वस्थ रहें, और भाई एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।